दोस्तों ये भिंडी हमने काट ली, जैसे आपको वीडियो में बता देते हैं कि सब्जी छीट काट लेते हैं वो तो सभी को आता है, इससे भिंडी लंबी हो जाती है। इसको भिंडी को धो के काट लिया है, तो इसको भिंडी को ऐसा काटा है छोटा छोटा, देख रहे हैं आपको, उसी हिसाब से प्याज को मोटा मोटा, जितनी भिंडी छोटी है ना वैसे हिसाब से काटा है। अगर पतली काटेंगे तो प्याज जल जाएगी भिंडी से, नहीं तो दोनों बराबर साइज का प्याज और भिंडी काट ली है। तो अब हम बनाना भिंडी स्टार्ट करते हैं। भिंडी प्याज को गैस कर लिया है चालू, इसको चालू कर लिया है, गर्म हो रही है कढ़ाई, इसमें डालेंगे तेल। तो भिंडी ज़्यादा सा तेल लगेगा, तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को होने देंगे गरम। दोस्तों इसमें ना भिंडी होती है बाली, तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग डालेंगे। हींग और अजवाइन डालना जरूरी है क्योंकि भिंडी होती है बाली। तो ये देखिए हींग होने लगी है, तो इसमें डालेंगे जीरा अजवाइन 2 चीज़ डालेंगे। अच्छे से सीख जाए देखिए, इसके बाद डालेंगे इसमें हरी मिर्ची, इन सब हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची को मिक्स इसमें आप डालेंगे, ये प्याज डालेंगे, सारी प्याज डालेंगे, इसके बाद डालेंगे भिंडी, प्याज और भिंडी बन साथ डालेंगे। सारे सारे प्याज नमक डाल देंगे, भिंडी को प्याज को ऐसा पैक नहीं होती है, अलग अलग करके पैक कराएंगे, एकदम लाल हो जाएगी भिंडी को प्याज सूख जाएगी, उसके बाद मसाले डालेंगे। अब डालेंगे तो गल जाएंगे, इसलिए अभी सूख जाएगा तो धनिया मिर्ची हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा भिंडी डालेंगे, उसका पैक लेकर आपको बताएंगे सूख जाएगी। तो दोस्तों अब जो देखो भिंडी सूख गई है, ये भिंडी और प्याज दोनों सूख के लाल हो गए। तो अब इसमें डालेंगे मसाला, देसी सबसे पहले डालेंगे, हल्दी डालेंगे सबसे पहले इसमें 1 चम्मच, 2 चम्मच से डालेंगे धनिया, मिर्ची डालेंगे, तो फिर कर देंगे मसाले डाल के या धनिया डाल के उसको ऐसा मिक्स कर देंगे। डालेंगे गरम मसाला, फिर से मिक्स कर देंगे। मैंने नमक पहले से डाल दिया था, थोड़ा सा नमक और थोड़ा नमक और डालेंगे, और इसमें डालेंगे नींबू, बिल्कुल एक एक भिंडी हो जाएगी, जैसे कि खटाई जरूरी है कि भिंडी में। फिर इसे मिक्स कर देंगे। तो टिप्स आपको बताती हूँ, जैसे कि हमने नींबू डाला ना, आपके पास नींबू नहीं है, अभी महंगे भी हैं, जैसे नींबू नहीं है तो आप इसमें आम का अचार डाल सकते हैं, आम का जो अचार रहता है ना उसका रस, अमचूर भी डाल सकते हैं, इससे नींबू बहुत टेस्ट में। ये देखिए आप भिंडी का कलर देखिए कितना अच्छा निकल के आया है, ये भिंडी बन के तैयार है, प्याज भिंडी उसको निकालूंगी कटोरी में, निकाल के खाते हैं इसको कटोरी में निकालेंगे। गैस को कर देंगे बंद, तो ये टेस्टी टेस्टी भिंडी बन के तैयार है। कितना अच्छा कलर आया है, प्याज भिंडी बन के तैयार मिनटों में, मुश्किल से 4-5 मिनट लगे होंगे। ये देखिए कलर देखिए भिंडी का एकदम लाल आया है, मसाले भी बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों भिंडी बनके तैयार है, आपको कैसी लगी बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो आगे वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।